अब नए नियम के अनुसार आपको अपना टीवी चैनल चुनने का अधिकार है और चुने हुए टीवी चैनल के ही पैसे आपको देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 29 दिसंबर 2018 से अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से लॉर्ड बुद्धा टीवी की मांग करें। अपने मनपसंद प्रोग्राम का आनंद लेते रहे, यह करना 29 दिसंबर 2018 तक आवश्यक है। यदि आपको कोई मना करता है तो आप उसे इस अधिकार के बारे में जरूर बताइए। और फिर भी यदि आप अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो अपना केबल या डीटीएच ऑपरेटर जरूर बदल सकते हैं। अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी देखना यह आपका अधिकार है, अपना अधिकार दे। टेलीकॉम अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार यह आपका हक है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों जय भीम, नमोद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आए हैं वाशिम जिले के कोठारी तालुका स्थित, यहां पे धम्मदी बुद्ध विहार की अभी अभी नींव रखी गई है और यहां पे कुछ दिनों के बाद में समाज मंदिर भी यहां पे बनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ में फिर भी यहां की जो महिला है वो यहां पे आकर त्रिशरण पंचशील हमेशा ग्रहण करती है और साथ ही साथ बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ने में वो प्रोत्साहित करते। हम महिलाओं से जानेंगे कि धम्मदी बुद्ध विहार की जो नींव रखी गई उसके पीछे वो किस तरह से कार्यक्रम करने वाले और बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि, सिक्कापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्कापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्कापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि, सिक्कापदं समादियामि। सूरामेरयम जप्रमादठाना वेरमणि, सिक्कापदं समादियामि। साधु साधु साधु। त्रिशरण पंचशील के बाद में अब हम सीधे मिलते हैं महिलाओं से और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से वो धम्म के प्रति बच्चों को अग्रहित करती है और प्रोत्साहित करती है। तो मुझे बताइए ताई, इस यहाँ पे तो फिलहाल में धम्मदी बुद्ध विहार में अभी अभी यहाँ की नींव रखी गई है और बांध काम जो है वो चालू है, तो फिर भी आप यहाँ पे आते हो तो किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करते हो, आप किस तरह से धम्म के बारे में जागरूक हो? एक्चुअली हमारे बुद्ध विहार का नाम धम्मदी बुद्ध विहार है और हम लोग यहाँ पे हर रोज आते हैं। बुद्ध विहार में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं और पंचशील वगैरह सब कुछ करते हैं और हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ पे आके रंगोली कार्यक्रम, कुछ संगीत कुर्सी वगैरह, और जैसे कि मतलब बच्चों को उत्साह आ जाए। जी, तो ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि उनको अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग भंती जी रहते हैं ना, उनको चीवर वगैरह दान करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर हम सब मिलके खाना वगैरह खिलाते हैं उन लोगों को और सब कुछ अच्छे से होता है और हम जल्दी से चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार जल्दी से रेडी हो जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि अरविंद इंगोले। आम्ही मॅडम इथं रोज येतो, वंदना घेतो, लहान लहान मुलांना शिकवतो चित्रकला, संगीत खुर्ची वगैरे घेतो, त्रिशरण पंचशील घेतो। आमचं बुद्ध विहाराचं काम सध्या चालू आहे, ते चालू झाल्यानंतर आम्ही रोज इथं वंदना घेणार आहे।
थू तुमची जिंदगानी जीवन जगता कुत्र्यावानी थू तुमची जिंदगानी आहो जीवन जगता कुत्र्यावानी जगण्यापेक्षा मरावे तुम्ही भीमाचे सरदार आहो बनावे तुम्ही आहो भीमाचे सरदार बनावे तुम्ही अन्याय प्रतिकार आहो करावे तुम्ही युग हा बदले हो लढा देऊनी युग हा बदले हो लढा देऊनी तुम्ही का हो बसता असे गोधडीत लपूनी उसळू द्या रक्त तुमचे आहो दुसरा उपाव नाही उसळू द्या रक्त तुमचे दुसरा उपाव नाही समाजाच्या वैराला आहो चिरावे तुम्ही चिरावे तुम्ही भीमाचे सरदार बनावे तुम्ही अन्याय प्रतिकार करावे तुम्ही आहो हात पाय असुनी का हो लंगड्या परी डोळे हे असुनी का हो आंधळ्या परी हात पाय असुनी का हो आंधळ्या परी डोळे हे असुनी का हो लंगड्या परी आहो उसळू द्या रक्त तुमचे दुसरा उपाव नाही उसळू द्या रक्त तुमचे दुसरा उपाव नाही देशाच्या या वैराला आहो चिरावे तुम्ही चिरावे तुम्ही भीमाचे सरदार आहो बनावे तुम्ही अन्याय प्रतिकार करावे तुम्ही यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने एक अच्छा सा गीत हमारे सामने पेश किया है और साथ ही साथ उन्होंने जो समाज को एक अच्छा संदेश दिया है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। दर्शकों सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले माता रमाई कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है पीतल मेटल मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग इंटीरियर डेकोरेशन पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र अशोक स्तंभ दीक्षा भूमि स्तूप बोधि वृक्ष मेडिटेशन पात्र बौद्ध साहित्य पंचशील पताका तोरण बैचेस ट्रॉफी मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी कमाल चौक बर्तन गली शनिवार बाजार शब्बीर हार्डवेयर की गली में अम्बेडकर मार्ग नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730 महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे बुद्ध नगर नागपुर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896 7385519190 7057050633 मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी हमारी कोई भी शाखा नहीं है नेचुरोपैथी योग ट्रीटमेंट सेंटर मेडिटेशन सेंटर डॉक्टर दिलीप जोनेकर बाईपास टालिए विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉकेज 70% to 100% कैंसर HIV स्पेशलिस्ट पुरानी से पुरानी बीमारी का हर्बल औषधि द्वारा यशस्वी इलाज विशेष उपचार सोराइसिस एपिलेप्सी लकवा पाइल्स जोड़ों का दर्द त्वचा रोग स्त्री रोग पीलिया अनुवांशिक रोग अस्थमा एलर्जी मधुमेह मूत्रखड़ा हार्ट अटैक विशेष उपचार मोटापा 3 महीने में 10 किलो वजन घटाइए ब्रांच 1 प्लॉट नंबर 27 आशीष अपार्टमेंट छत्रपति चौक ICICI बैंक के पास वर्धा रोड नागपुर ब्रांच 2 कबीर नगर पावर ग्रिड चौक नारी रोड नागपुर वॉशिंगटन प्लाजा टोपीवाला सेंटर मॉल गोरेगांव वेस्ट मुंबई
डॉक्टर दिलीप डोनेकर 9850317321 8055467265। डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना है। अब अपने विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जोड़ने के लिए ना हो परेशान, लॉर्ड बुद्धा टीवी ने इसे बना दिया है बिल्कुल आसान। हमारे बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो कार्यक्रम में अपनी पूरी जानकारी दीजिए और अपने मनपसंद रिश्ते बनाइए। हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपका साथ गांव का विकास, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के अधिकारों से खास बात और उसी के साथ में संविधान पर होंगी कुछ चर्चा। लेकिन अभी हमारे साथ में इस गांव के जो पुलिस पाटिल है हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि गांव में तंटा मुक्त रहने के लिए वो किस तरह से प्रयास करते हैं। सतीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि गाँव में तंटा मुक्त रहने के लिए आप किस तरह से हमेशा प्रयास करते हैं। मैडम, आम्ही सर्वप्रथम म्हणजे गावात एकोपा राहण्यासाठी गावातील जे काही सण उत्सव असतील ते आम्ही सर्व आनंदाने गुण्यागोविंदाने पार पाडतो आणि कुठेही कुठल्या प्रकारचा असा अनुचित प्रकार होणार नाही यासाठी आम्हाला सर्व गावातील मंडळी जे आहेत, सर्व समाजबांधव ते आम्हाला मदत करतात आणि एक आनंदात असं चांगल्या प्रकारे कोणताही उत्सव आम्ही साजरा करतो। आणि कुठे जर असं काही घडलं तर सर्वप्रथम आम्ही एका ठिकाणी बसून त्यावर तोडगा काढतो। त्यासाठी आम्हाला गावातले लोक पण सर्व समाजाचे लोक सहकार्य करतात। गाँव में अगर झगड़े का माहौल हमें दिखाई देता तो सबसे पहले लोग आपके पास ही आते होंगे, तो उस पर आप किस तरह से अपने शब्दों से रोशनी डालोगे? मैडम, जसं कुठं काही घडलं गेलं तर सर्वप्रथम मला फोन करतात, बोलावतात, तसंच मी त्यांना तंटामुक्ती अध्यक्षांना बोलावतो, सोबत घेतो, सरपंच आमचे पवार त्यांना सोबत घेतो आणि त्याच्यावर आम्ही गावातल्या गावात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो। आणि असा कुठलाही प्रकार आजपर्यंत तरी आमच्या गावात घडला नाही। जसं की आमच्या गावात 18 पगड जातीचे लोक जे म्हणतात ते सर्वच जातीचे लोक आमच्या गावात गुण्यागोविंदाने राहतात आणि असा कुठलाही प्रकार आजपर्यंत घडलेला नाही की ज्यामुळे आमच्या गावाची तालुक्या जिल्ह्याच्या याच्यावर आमचे मान खाली जाईल असं आजपर्यंत कुठेही घडलं नाही। ऐसा भविष्य में ना हो उसके लिए आप किस तरह से प्रयास करोगे? आमचे प्रयत्न असेच राहील की सर्व कुठलाही कार्यक्रम असो, उत्सव असो, सर्वांनी आम्ही त्या ठिकाणी हजर होऊन सर्वांना सहकार्य करून गावातल्या गावात कुठलाही म्हणजे भांडणतंड मिटल्या जाईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। आणि त्यासाठी आम्हाला मला खात्री आहे की माझ्या गावचे जे लोक आहेत ते आम्हाला सहकार्य करतील। तो मुझे बताइए कि गांव में जो हर महीने जो आम सभाएं होती है तो उस सभा में कुछ ऐसी योजनाएं निकलती है, तो उस योजनाओं को आप गांव वाले की तरफ किस तरह से पहुंचाने का कार्य कर रहे हो? अभी जो अपने ग्राम पंचायत में अपने शासन की तरफ से जो बौद्ध समाज का अस्थि जो दलित अस्थि योजना है, उस योजना में जो भी इनमें बैठते हैं वो सब योजना हम इन लोगों को बताते हैं। और उनके बाद हमारी जो मीटिंग रहती है मासिक मीटिंग, उन मासिक मीटिंग में हम हर साल इनका प्रस्ताव जो जो इनको यानी कि लगता है इनको अच्छा लगता है, इनके इसके सुधार के वास्ते अच्छा लगता है, वो हम उनका रेफरेंस जिला परिषद को भेजते हैं और उनको उसमें से हम हर साल 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये निधि उपलब्ध करा के हम हमारा काम करते हैं। सर, तो अभी तक कौन सी योजना इस गांव में आई है? अभी तक दलित बस्ती के माध्यम से हमने लगभग 25 लाख का बॉन्ड हमारा 2015 में बना था, तो उसमें से 17 लाख रुपए का अभी तक हमने खर्चा करे हुआ है हमारे गांव में। उसमें से 2 कांग्रेट रस्ते और 2 समाज मंदिर यानी कि 6 और 7 15 और 3 18 लाख रुपये अभी तक खर्चा हुआ है और 3 लाख रुपये अभी इस साल का प्रोविजन हमने डाले हुआ है, वो रोड पे डाले हुआ है। सर, आपका नाम बताइए। बहु पावर ग्राम पंचायत। संविधान के बारे में क्या कहना चाहोगे? भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवस सतत दिवस रात्र परिश्रम करून घटना बनवली। घटना बनवणे हे काही मामूली गोष्ट नाही आहे, त्याच्यासाठी दिमाग लागतो। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठलंही म्हणजे स्वतःचा स्वार्थ बघून घटना बनवली नाही, याच्यामध्ये सर्व भारत देशाचा सर्वोच्च असं म्हणजे भारतीय राज्य घटना बनवली आणि अतिशय अप्रतिम अशी घटना सर्वोच्च जगातील सर्वोच्च सगळ्या सर्व समस्त देशांमधून सर्व जगातून अशी एक भारताची राज्यघटना, अतिशय सुंदर भारताची राज्यघटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अहोरात्र परिश्रम करून बनवली, याच्यामध्ये कुठलाही प्रकारचा भेदभाव त्यांनी केला नाही।
हे सगळं देशाच्या हितासाठी आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही जी घटना लिहिली ते एक दलित समाजातील व्यक्तीने लिहिली अशातला भेद करून मनुवादी लोक घटनेची विटंबना करून पाहतात. तर एका दृष्टीने मला त्यांना एक माझं एक निवेदन आहे, मला त्यांच्याशी म्हणजे माझी एक विनंती आहे की घटना ही समस्त देशाचा याच्यामध्ये फायदा आहे आणि दुर्बुद्धी तुम्हाला अशी सुचत असेल तर घटनेची विटंबना करणे हे एकदम देशासाठी धोकादायक आहे. अशी दुर्बुद्धी तुम्हाला सुचू नका देऊ. सर्व समस्त जनतेची भलाई या घटनेमध्ये आहे. घटनेचा सन्मान करणे समस्त देशातील प्रत्येक नागरिकांचं कर्तव्य आहे. संसद सदस्य असो किंवा कुठलाही कर्मचारी असो कुठलाही व्यक्ती असो सर्वांनी घटनेचा आदर केला पाहिजे, त्याचा सन्मान केला पाहिजे आणि त्याचं पालन केलं पाहिजे. मला फक्त माझी एवढी विनंती आहे त्यांच्याशी. माझं नाव रुपेश दादराव देवळे. ताई मला सांगा की बाबासाहेबांनी जे संविधान दिलं त्यामुळे महिलांना आणि पुरुषांना समानतेचा अधिकार दिला आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? माझं म्हणणं असं आहे की किती वर्ष अगोदरपासून म्हणजे लेडीज आणि जेंट्समध्ये खूप फरक होता आणि बाबासाहेबांनी ज्योतिबा फुले यांनी आणि सगळ्या चांगल्या चांगल्या लोकांनी हा म्हणजे जे काही केलं आहे तर त्यामध्ये ही गोष्ट एक आहे की आज आपण तुम्ही मी सगळे एक साथ आहोत. तर सगळ्यात मोठी गोष्ट ही आहे की हे सगळं संविधानामुळेच घडलेलं गेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही लेडीज खूप खुश आहोत, सगळ्याच लेडीज खुश आहेत. तर संविधान खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप चांगली गोष्ट केलेली आहे. यहाँ पे संविधान इस ग्रंथ पर चर्चा हो रही थी, साथ ही साथ इस गांव के विकास के बारे में भी खास तौर पर चर्चा की और उन्होंने कहा है कि गांव में तंटा मुक्त रहने के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं और उसी के साथ में सरपंच सर जो है हमारे साथ में उन्होंने भी किस तरह से कहा है कि 25 लाख की जो निधि आई थी उसमें से 18 लाख का काम हो चुका है और आगे भी उसका काम चालू रहेगा. दर्शकों सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद. नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है. पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है. प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं. बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है. हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर, तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896, 7385519190, 7057050633. मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है. नेचुरोपैथी योग ट्रीटमेंट सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, डॉक्टर दिलीप जोनेकर, बाईपास टालिए विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉकेज 70% to 100%, कैंसर HIV स्पेशलिस्ट, पुरानी से पुरानी बीमारी का हर्बल औषधि द्वारा यशस्वी इलाज, विशेष उपचार सोराइसिस, एपिलेप्सी, लकवा, पाइल्स, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, स्त्री रोग, पीलिया, अनुवांशिक रोग, अस्थमा, एलर्जी, मधुमेह, मूत्रखड़ा, हार्ट अटैक. विशेष उपचार मोटापा, 3 महीने में 10 किलो वजन घटाइए. ब्रांच 1, प्लॉट नंबर 27, आशीष अपार्टमेंट, छत्रपति चौक, ICICI बैंक के पास, वर्धा रोड, नागपुर. ब्रांच 2, कबीर नगर, पावर ग्रिड चौक, नारी रोड, नागपुर. वॉशिंगटन प्लाजा, टोपीवाला सेंटर मॉल, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई. डॉ.
डॉक्टर दिलीप डोनेकर 9850317321 8055467265। डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना है। अब अपने विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जोड़ने के लिए ना हो परेशान, लॉर्ड बुद्धा टीवी ने इसे बना दिया है बिल्कुल आसान। हमारे बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो कार्यक्रम में अपनी पूरी जानकारी दीजिए और अपने मनपसंद रिश्ते बनाइए। हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है वहाँ पे हम जो भारत का संविधान है, ये जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ में, उनके आंखों पर पट्टियाँ बन चुकी है। अब देखना है कि वो संविधान जो ग्रंथ है वो ढूंढने में कामयाब होती है या नहीं। उन लड़कियों का नाम है, एक का है ऐश्वर्या और दूसरी है कोमल। तो बेटा चलो और ढूंढने की कोशिश करो। आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़ोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करिए और हौसला बढ़ाए इनका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये है ऐश्वर्या, जिन्होंने संविधान जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ढूंढने में वो कामयाब हुई है। इसके लिए जोरदार तालियां। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या बात, ये पांचवी क्लास की लड़की है ऐश्वर्या, जिन्होंने भारत का संविधान, ये जो ग्रंथ है जो छिपा हुआ था, उसे ढूंढने की पूरी तरह से कोशिश की और उसने ढूंढ निकाला है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहाँ पर भारत का संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करने जा रहे हैं। तो आप सभी इस यहाँ पे उपस्थित जो महिला है, सभी तैयार है? सभी तैयार है? जोर से बोलिए, आप सभी तैयार है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतदा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपको आपका गांव दिखाना है, आपका विहार दिखाना है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपके गांव में जो विहार है उसे आप अपने हमारे टीवी के माध्यम से दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में मैं ज्योति हाड़के, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। अब नए नियम के अनुसार आपको अपना टीवी चैनल चुनने का अधिकार है और चुने हुए टीवी चैनल के ही पैसे आपको देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 29 दिसंबर 2018 से अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से लॉर्ड बुद्धा टीवी की मांग करें। अपने मनपसंद प्रोग्राम का आनंद लेते रहें। यह करना 29 दिसंबर 2018 तक आवश्यक है। यदि आपको कोई मना करता है तो आप उसे इस अधिकार के बारे में जरूर बताएं। और फिर भी यदि आप अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो अपना केबल या डीटीएच ऑपरेटर जरूर बदल सकते हैं। अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी देखना यह आपका अधिकार है। अपना अधिकार ले। टेलीकॉम अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार यह आपका हक है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।